हे गाइस, आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का. ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था फ्रेडरिक टेलर को और हेनरी फ्यूल को. सही है, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रैंक गिलबर्ट को. और ये तीनों जो हैं क्लासिकल अप्रोच में वो किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं. इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो क्लासिकल अप्रोच में कंसिडर की जाती हैं. कौन कौन? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, फ्रैंक गिलबर्ट एंड हेनरी फ्यूल. हेनरी फ्यूल ने आपके 14 प्रिंसिपल दिए थे और टेलर ने आपको वो बताया था कि साइंस को मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहिए. और फ्रैंक गिलबर्ट अभी हम पढ़ेंगे. हेनरी फ्यूल और टेलर पे दोनों पे वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी ताकि आप वो देख लें. ठीक है, अब फ्रैंक गिलबर्ट. सही है, अब इसके इंस्पिरेशन कैसे आई थी अपने काम करने की? जब उन्होंने फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को सुना, जब उन्होंने टेलर की स्पीच सुनी है एक प्रोफेशनल मीटिंग में कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक होना चाहिए और यू नो साइंस के तरीके, और उन्होंने जितने बातें की उनको इंस्पिरेशन मिली फ्रैंक गिलबर्ट को. सही है, तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, अपना करियर उन्होंने छोड़ दिया. उन्होंने कहा मुझे इस पर काम नहीं करना, अब मैं स्टडी करूँगा जो टेलर स्टडी कर रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किस तरह हो सकती है, किस तरह की जा सकती है, और ये सब चीज़ें देखूँगा. ठीक है, उसमें इन्होंने क्या पढ़ा? जब वो इंस्पायर हो गए, उसके बाद जब वो पढ़ने लगे तो उनकी वाइफ लीलियन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, वो भी उनके साथ मिल गई. दोनों ने मिल के एलिमिनेशन ऑफ इनएफिशियंट हैंड एंड बॉडी मोशंस को पढ़ना स्टार्ट किया. क्या मतलब? कि हैंड और बॉडी मूवमेंट्स जो इनएफिशिएंट है, जिनकी ज़रूरत नहीं है और जो एम्प्लॉयज यूज़ कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए. ठीक है, तो इन्होंने अपना काम उस पर स्टार्ट किया. उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइंस पे काम किया, टूल्स भी यूज़ किए कि वर्क परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके. और एंड में उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब होगा, इनएफिशिएंसी का तब आएगी जब इनएफिशिएंट मूवमेंट्स जो है ना हमारे हैंड के, एम्प्लॉयज़ के, वो ख़त्म कर दिए जाएं. तो इसमें दोनों मियां बीवी ने मिलके काम किया. ठीक है, और इन्होंने क्या किया उसके अलावा? एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिकली नोटिस किया, उन्होंने ब्रिक लेयर्स, जो ब्रिक्स की यू नो लेयरिंग करते हैं ऑल, उनको ऑब्ज़र्व किया. उन्होंने काफ़ी टाइम ऑब्ज़र्व किया, वो उन्हें देख रहे थे, उनके मूवमेंट्स देख रहे थे और नोट कर रहे थे. वो नोट कर रहे थे कि इनमें से कौन सी मूवमेंट्स वो हैं जो बेकार हैं, जो किसी काम की नहीं है. ठीक है, और वो इनएफिशिएंसी ला रही हैं और वो उनके अंदर टाइर्डनेस भी ला रही हैं, उनकी एनर्जी ख़त्म हो रही है ना एम्प्लॉयज़ की. तो उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जिस काम को करने के लिए आप 18 मूवमेंट्स यूज़ कर रहे थे, वो आप 5 मूवमेंट्स में भी कर सकते हैं. और जो लेयरिंग के लिए, लेइंग के लिए आप लोग ब्रिक्स को 18 मूवमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, वो तो आप 2 मूवमेंट्स में भी कर सकते हैं. से क्या होगा? जब आप अपने मूवमेंट्स कम करेंगे, एक तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगी, सही है, दूसरा आपका एम्प्लॉई जो है वो टायर्ड नहीं होगा. वो इतनी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स, अननेसेसरी मूवमेंट्स करके थक जाते हैं. लेकिन तब तो ये होता था ना कि काम के हिसाब से, अभी भी काम के हिसाब से होता है. जब आपका काम हो गया तो आप क्या करोगे? अगर वो लोग एफिशिएंट हों और ध्यान से काम करेंगे तो वो थकेंगे भी कम और उनका काम भी कंप्लीट होगा, राइट? तो फ्रैंक गिलबर्ट ने यही बताया था कि रिडक्शन ऑफ मूवमेंट. सही है, अब पॉइंट वाइज चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और कोई पॉइंट रह ना जाए. जैसे कि मैंने बताया कि उसने काम किस चीज़ पे किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट में. ठीक है, वर्क टू एलिमिनेट इनएफिशिएंट हैंड एंड बॉडी मोशंस. ये मैंने आपको बता दिया कि वो क्या चाहते थे, कि जिन हैंड और बॉडी मोशंस, मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है वो ख़त्म कर दो. ठीक है, जो इनएफिशिएंट है वो ख़त्म हो जाए. एक्सपेरिमेंटेड विद द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग वर्क परफॉर्मेंस. वो वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिज़ाइन और टूल्स यूज़ किए थे. उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि वो वर्क परफॉर्मेंस को कैसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, अभी ऑब्वियसली
उनका ये एक दिन का काम तो नहीं है ना, तो ये और डिफरेंट चीज़ें उन्होंने की होंगी जिसको हम मेंशन तो कर रहे हैं पर हम उसकी इतनी डीप स्टडी नहीं कर रहे. सही है, हमने मेंशन कर दिया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी, लेकिन हम अगर इसी को पढ़ने लग जाएंगे तो हम PhD तो फ्रैंक गिलबर्ट में कर लेंगे ना. लेकिन ऑफ कोर्स जिसका इंटरेस्ट हो इस सब्जेक्ट में उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे ओवरव्यू कर रहे हैं. तो हमने ये पढ़ लिया. उसके बाद अब क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रिक लेइंग. जैसे कि मैंने बताया उन्होंने ब्रिक लेयर्स को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उनकी जो मूवमेंट्स थी वो रिड्यूस की. माइक्रोक्रोनोमीटर, अच्छा ये मैं आपको अभी तक नहीं बताया, ये एक डिवाइस था उन्होंने इन्वेंट किया. इस ये क्या करता है, ये एक एम्प्लॉय की हैंड और बॉडी मोशंस को चेक करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और ये भी रिकॉर्ड करता है कि कितने टाइम में एक मोशन हुआ, एक मूवमेंट कितने टाइम में हुई. इससे क्या हुआ कि वो चीज़ें, वो मूवमेंट्स जो शायद हमारी आंखों से, इंसानी आंखों से मिस हो जाती हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये इनएफिशिएंट हैं या एफिशिएंट हैं, वो हमें माइक्रोक्रोनोमीटर से पता चल जाएंगी. जब वो रिकॉर्ड करेंगे, जब हम बार बार उसको रिप्ले करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ अननेसेसरी है, कौन सी चीज़ नेसेसरी है, कौन सी चीज़ इनएफिशिएंट है, कौन सी एफिशिएंट है. राइट, तो इसलिए उन्होंने ये डिवाइस इन्वेंट किया. उनका ओवरऑल काम रिडक्शन ऑफ मूवमेंट्स पे था एंड दैट्स प्रीटी मच इट. अच्छा, इनकी एक और बुक भी है और मूवी भी है, अब तो चीपर बाय द डजन. ठीक है, इसमें एक्चुअली इनके बच्चे 12 बच्चे थे, उनमें से 2 ने लिखी है ये बुक जिस पे मूवी बनी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, फनी भी है टू बी ऑनेस्ट. तो हाँ, अगर आपको देखनी हो एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट हिम तो आप वो देख सकते हैं. एनीवेज दैट्स इट, प्रीटी मच इट. आई थिंक यही उनकी कंट्रीब्यूशन थी, इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं. ठीक है, आई होप यू guys like this video. If you did, make sure to subscribe, like, comment and share. I'll see you guys in my next video. Bye guys.